हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। हेलो दोस्तों, आज मैं ऑलरेडी मेरे शॉर्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि जो मैं लेवल दिया था कैसे मार्केट परफॉर्म किया। देख सकते हैं जो लेवल मैंने दिया था सेम लेवल ही है कल के लिए। तो यहीं पे देखिए मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये रेजिस्टेंस लेके मैं बोला था रेजिस्टेंस के नीचे के यहाँ पे सपोर्ट लेने के चांसेस, सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने का चांसेस था, प्रॉबेबिलिटी था। लेकिन यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हुए हैं, ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में सेलिंग हुआ है। उसके बाद देखिए नीचे 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 फिर आके यहाँ पे रुका, यहाँ पे जो दिया था मैंने एक लेवल, तो इसके ऊपर फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर लेवल पाया। तो ये जो लेवल 43,131, फिर उसके नीचे आके ये जो जोन दिया था 43,000, उसमें थोड़ा सा रुका, ऊपर गया, फिर नीचे आके मार्केट क्लोज हुआ। तो ये बैंक निफ्टी में कल अगर नॉर्मली गैप डाउन होता है तो ये 42,762, उसके बाद आपको आएगा 42,000, ये जो है आपको 42,575 तक आने वाला चांसेस है। बीच में 42,675 का एक सपोर्ट मिलेगा। अगर ये जो जोन है 42,979 को अगर आप ब्रेकडाउन देते, गैप अप ओपन होता है तो ये वाला बहुत रजिस्टेंस मिलेगा, जैसे कि 43,123, 43,195, फिर 43,316 यही रहेगा। दोस्तों मैंने जो लेवल दे रहा है, ये लेवल कितना अच्छा फॉलो, मतलब मार्केट फॉलो कर रहा है, उसी लेवल पे आके सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर रजिस्टेंस ले रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरा जो पिछले वीडियो सेम निफ्टी के बारे में बात करते हैं। देखिए निफ्टी में भी जो दिया था मैंने लेवल, सेम लेवल को मार्केट फॉलो किया। ये देखिए मैंने जो ये जो येलो कलर का लाइन है ना, ये लेवल पे ये देखो, देखिए उसी के ऊपर मार्केट ओपन हुआ, उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस था 18,261 के करीब। मार्केट देखिए यहीं पे नीचे आया, फिर ऊपर गया, उसी को रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट नीचे आया, यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट लेने की कोशिश किया लेकिन रुका नहीं, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर जाके ये जो लेवल जोन पे देख सकते हैं 18,171-146 के बीच में जो जोन है वहाँ पे फिर रजिस्टर लेके नीचे आया। नीचे आने के बाद नीचे जो लेवल दिया था मैंने 18,091, वहाँ पे फिर रुकने की कोशिश किया मार्केट रुकने की कोशिश किया। देखिए यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ तक गया, यहाँ पे रजिस्टर लेते हुए फिर नीचे आया, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ। अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है तो 18,013 के करीब, तो फिर मार्केट वहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक करने का चांसेस है। अगर ज़्यादा गैप डाउन खुलता है तो इसको रेजिस्टेंस लेके नीचे जाने के चांसेस है, नीचे जाएगा तो 17,800 तक आने का चांसेस है, ठीक है। अगर गैप अप खुलता है, ये ब्लू लाइन से ऊपर है, अगर 18,091 के ऊपर खुलता है तो मार्केट इसको सपोर्ट लेते हुए यहाँ तक जाने का चांसेस है। ये जो लाइन है ये भी बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा, 18,146 से लेकर 18,171। ओके दोस्तों, आप देख लीजिए कितना अच्छा मेरा जो मैंने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल प्रोवाइड कर रहा हूँ उसी को कितना अच्छा से मार्केट फॉलो कर रहा है। आप खुद इसको सपोर्ट पे बाय करने का, रेजिस्टेंस लेवल पे अगर रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन देता है तो आपको सेल करने का, ये रूल है, ट्रेडिंग रूल्स है। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।